हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कोड इन 10। आई एम निशांत चाहर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग के बारे में। ठीक है, बैक ट्रैकिंग में हम रिकर्जन ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बस बैक ट्रैकिंग में एक चीज़ हमारे साथ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो होती है कुछ कंडीशंस। यार ये वाला जो कुछ भी बंदा है या फिर ये वाली जो चीज़ है ये तुम नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। एक एग्जांपल लेंगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस होता है, करते वही हैं। ठीक है, जाते वही हैं, सारे पॉसिबल आउटकम्स पे जाते हैं, एंड सारे पॉसिबल आउटकम्स में आके जो हमें सबसे बेस्ट लगता है वो हम यूज़ कर लेते हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। एंड अभी तक तुम लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड ऐसी और मस्त मस्त वीडियोज आती रहेंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है यार, आज हम पढ़ने वाले हैं बैक ट्रैकिंग, एंड आज हम थोड़े अच्छे कलर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़े ब्राइट कलर्स, क्योंकि मेरे को एक सजेशन मिला था कि थोड़े डल डल कलर्स हैं ये चारों, तो हमने बोला कि सजेशन हमें सारे लेने हैं। अब बैक ट्रैकिंग को समझते हैं एक प्रॉब्लम से यार। ठीक है, हमें तीन लोग मिले हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, ये तीन लोग हैं ए बी सी। इनको टीचर ने बोला कि यार एक ना लाइन में बिठाना है, तीन तुम्हारे पास पोजीशन है, सीट है, ठीक है, ये तुम्हारा ब्लैक बोर्ड है, इसमें से तीन पोजीशन में बिठाना है। तो बस दिक्कत ये है, जो बी वाला बंदा है ना, बी वाला, इसको ना मिडल में बैठना नहीं पसंद। ये बोलता है मेरे को मिडल में नहीं बैठना, कहता है मेरे को मिडल में बैठ के ना मज़ा नहीं आता है, तो पीछे बैठा हो थोड़ी, मतलब टाइम पास कर लूँगा, दोस्तों के साथ बात बात कर लूँगा, आगे बैठा हो पढ़ लूँगा, बीच में बैठ के ना बात कर पाता हूँ और ना अच्छे से पढ़ पाता हूँ। तो टीचर ने बोला ठीक है यार, तुम मेरे को सारे ऑप्शंस ला के दे दो, क्या क्या ऑप्शंस हैं कि तुम्हें मैं बीच में ना बैठाऊँ, और जो भी ऑप्शंस हैं तुम मेरे को ला के दोगे, फिर हम डिसाइड कर लेंगे कहाँ बैठना है। तो वही किया हमने। तो हमारे पास क्या है यार, तीन प्लेसेस हैं। ठीक है, तीन प्लेसेस हैं, हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं हमेशा, मतलब यहाँ पे तीन प्लेसेस हैं, तीन ऑप्शन होंगे। हमें पता है इनफेक्टोरियल परम्यूटेशंस बनेंगे इसके, ये हमने परम्यूटेशंस वाले क्वेश्चंस में समझ लिया था, सारे निकालने में आते हैं। अब इसमें बस बैक ट्रैकिंग लगा के हमें जो नहीं चाहिए वो हटाने हैं, तो सेम ही प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, हम यहाँ बोलेंगे यार पहले ए को आगे बिठा देते हैं। अब ए को आगे बिठाने के बाद ना हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो हम पहले बी को बिठा देंगे यहाँ पे, ठीक है, या फिर हम बिठा देंगे यहाँ पे सी को। अब यहाँ पे बी को बिठा दिया तो यार हमारी कंडीशन वाली फुलफिल नहीं हो रही, हमने बोला यार यहाँ पे तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, बी मिडल में आ गया, उसको बोलो कि यार ये वाला आंसर तो बेकार है, वापस चला जा, तो तेरा काम नहीं है। हमने सी वाला एक्सप्लोर किया, सी वाले को बिठा दिया, उसके बाद देखा हम यहाँ पे गए, हमने बोला ए बैठ गया, सी बैठ गया, उसके बाद बी को बिठा देते हैं। हाँ बी खुश है भाई, आराम से पीछे बैठूंगा, दोस्तों से बातचीत करूंगा, मज़े करूंगा, तो ये सेटिस्फाई हो गया हमारा। नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पे फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बी को स्टार्टिंग में बिठा दिया, अब फिर हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए, या तो ए को यहाँ बिठा देंगे या फिर सी को यहाँ पे बिठा देंगे। तो पहले ए वाला एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद हमने बोला कि यार लास्ट सीट बची यहाँ पे, तो सी ही बैठेगा। अब यहाँ पे सी को बिठाया तो बी अब फिर से फर्स्ट पोजीशन पे, अभी बोलेगा चलो यार पीछे नहीं बैठा, कोई नहीं आगे बैठूंगा, अच्छे से पढ़ वढ़ लूँगा, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया हमारा, सही बात है ना। फिर नेक्स्ट आए बी, ए बैठ गया, अभी बोलेगा सी को बिठा देते हैं यार यहाँ पे, सी को बिठाने के बाद लास्ट पोजीशन पे तो कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं, तो मैं ए को बिठाएंगे, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, बोलेगा आगे बैठा हूँ पढ़ ही लूँगा, तो ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आए, हमने सी को यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, और हमारे पास दो ऑप्शंस फिर से आ गए, या तो बी को मिडिल में बिठाएंगे या फिर ए को मिडिल में बिठाएंगे, तो पहले ए को मिडिल में बिठा देते हैं। अब यहाँ पे लास्ट बचा, इसमें हमने बी को बिठा दिया, फिर से बी लास्ट में आ गया, बी बोलेगा चलो यार मज़े आ गए, लास्ट में बैठा हूँ, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया हमारा। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन बचा उसमें को सी यहाँ पे बी को बीच में बिठाया, और फिर लास्ट एक पोजीशन बची थी, बढ़िया, तो पहले ही पोजीशन पे बी बैठ गया, बी तो बीच में बिठाना ही नहीं था, तो बोलेगा नहीं यार ये तो चाहिए नहीं, वापस चले जाओ, तो लास्ट वाले में भरेंगे नहीं। तो यही है, देखो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने सारे पॉसिबल पाथ्स एक्सप्लोर किए, जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी वहीं से हमने बैक ट्रैक कर गया कि चलो यार वापस चले जाओ, ये वाला तो नहीं हो पाएगा अपना काम, ठीक है, बैक ट्रैक कर गया। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, पहले आए ए एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करके बी डाला, बी ने बोला नहीं हो पाएगा, तो ये वापस चला गया बैक ट्रैक करके, इसने बोला चलो अब सी डाल के देख लेते हैं, सी डाला, बी डाला, सेटिस्फाई हो गया, फिर वापस चला गया, वापस चला गया, वापस चला गया, इसने बोला कि यार एक पोजीशन तो ए को तो हमने बिठा के देख लिया, बी को बिठा के देख लेते हैं, फिर हम बी को बिठा के देखेंगे, बी को बिठा के देखा, उसने बोला चलो बी बैठ गया मिडल में, ए को बिठा सकते हैं, सी को बिठा सकते हैं, पहले ए को बिठा के देख लेते हैं, ए को बिठा के देखा, फिर सी को बिठा के देखा, ये भी आज सेटिस्फाई हो गया, बोलेगा वापस चले जाओ, बोलेगा वापस चले जाओ, बोलेगा जाके अब दूसरा वाला एक्सप्लोर करके आओ, सी वाला भी एक्सेप्ट हो गया, बोलेगा वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, वापस गए, यहाँ पे सी को बिठा दिया, सेम ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे फिर ये आगे जाएगा नहीं, तो यहाँ से वापस और ये वापस हमारा, हम वापस आ गए और हमारे पास चार पॉसिबल सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, ये तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी आई होप,
अगर नहीं समझ आया तो बस यही है कि यार जहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रही ना कंडीशन, रिकर्जन वाला ही गेम है, बस जहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही वहाँ पे बोलो कि राम राम वापस चलो, काम खत्म हो गया अपना, अब कुछ नहीं करना है। तो ये अपना बैक ट्रैकिंग का मोटा मोटा एग्जाम्पल है। अब हमें क्या करने वाले हैं यार, हम इस पूरी जो सीरीज़ है इसमें हम ना अभी 4 क्वेश्चंस करेंगे बैक ट्रैकिंग के, ठीक है। यही मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बैक ट्रैकिंग के, इनसे ना तुम्हें तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट थिंकिंग वगैरह बन जाएगी। एक हमारा होगा कॉम्बिनेशन सम, ठीक है। एक हमारे वाला होने वाला है एन क्वींस, रैट इन द मेज, एंड लास्ट अपना होने वाला है सुडोकू सॉल्वर। तो ऐसे करेंगे, फर्स्ट ए करते हैं, सेकेंड रैट इन द मेज करते हैं, थर्ड एन क्वींस करते हैं, फोर्थ सुडोकू सॉल्वर करते हैं, और ऐसे अपनी सारी सीरीज खत्म हो जाएगी। इससे हमारा जो रिकर्जन वाले कॉन्सेप्ट थे सारे लग जाएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉर्टिंग, और सॉर्टिंग में हम रिकर्जन यूज़ करेंगे अपने मर्ज सॉर्ट में एंड अपने क्विक सॉर्ट में, तो वो भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को करते हैं अब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू बैक ट्रैकिंग। अब नेक्स्ट जो भी वीडियोज होने वाली हैं हम ट्राई करेंगे 10-10 मिनट में कंबाइन करके उनके कोड एंड सॉल्यूशन को समझाने का। अगर हमें लगता है कि यार नहीं इसमें और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम बस अप्रोच समझाएंगे, दूसरे पार्ट में हम कोड समझाएंगे। और अगर तुम्हें अप्रोच समझ आ गई है, तुम खुद कोड कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, बस अपने सॉल्यूशन को मैच करने के लिए नेक्स्ट वाली वीडियो देख लेना, एंड दैट इज इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, सब्सक्राइब कर दो अब तक नहीं किया तो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स वगैरह डाल देता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।